गोबर ही है, देख सकते हैं इसको अब घोटा जाएगा। हम लोग हाथ से इसको घोटरते हैं, देखिए फुआ जो है इसको गोबर को घोटर रही है, देख सकते हैं आप। ऐसे घोटर के इसको पतला कर देते हैं पूरा एकदम पेंट जैसा, उसके बाद जो इसको लिपते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय नंदन सब्जी वाला में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य व्यवसाय में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 23 नवंबर 2022 और आज मेरा जो मार्केट का ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि आज हम लोग का दादी का तीनकर्मा है, तो हम लोग का रीति रिवाज रहता है गांव में। और आज इस 22वीं सदी में भी जो हम लोग का गांव में जो है रीति रिवाज का अच्छा से पालन किया जाता है, तो उसी के अनुसार देखिए आज गोबर लाया गया है हम लोग का घर में। और देखिए बाल्टी में पानी है और देखिए माँ लोग चाची लोग मिल के जो है गोबर सर जी इसको लिपेंगे पूरा अंगना सबको। देखिए इधर भी और इधर भी देखिए एकदम लिपा जाएगा पूरा। और इधर देखिए पूरा ये जो है हम लोग का गली इसको भी पूरा लिपा जाएगा और लिप पोत के जो इसको शुद्ध किया जाएगा पूरा गोबर से ही। ये डंक है हम लोग का, गाय का डंक है। तो चाची लोग इधर देखे चाचा जो है पैसा गिन रहे हैं, जाएंगे हम लोग दतुन पत्ते सब लेने के लिए जाएंगे आज। तो आज का ब्लॉग हम लोग का रहेगा होम ब्लॉग रहेगा। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे हम लोग लिपते हैं अपना गांव घर में गोबर से। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी 1150 के जो चाचा के पास में कोयला लिए हैं, क्योंकि भोज भंडारा करना होगा तो कोयला वाला भी खरीदना पड़ेगा। तो देखिए 1150 लिए हैं, देखिए चाचा का ये है, देख सकते हैं आप कोयला इसी में लाते हैं। या देखिए साइकिल तो हम लोग का झारखंड में कोयला मिल जाता है, अभी थोड़ा दिक्कत होता है। पुलिस पकड़ता है 400 रुपया देना पड़ता है पुलिस को, 400 रुपया देना पड़ता है क्या चाचा? कितना दिए थे पुलिस को? 400 रुपया 400 अलग अलग एथी में नहीं, चौक में का चौक में अलग 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 चौक में पुलिस सब पकड़ता है, तो वहाँ पर 100-100 रुपया देना पड़ता है। जितना आपको चौक में पकड़ेगा उतना 100-100 रुपया देते देते आना पड़ता है। तो 400 रुपया टोटल देना पड़ा, तभी हम लोग को 1150 रुपया देना पड़ेगा। देखिए हम लोग 1150 रुपया दे दिए, कितना बात है लोलो? 1150 बात हुआ, तो 1150 रुपया हम लोग दे दिए हैं। कोयला भी खरीदा गया, इसी में हम लोग चूल्हा जलाएंगे और वही जो अपना भोज भंडारा किया जाता है करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी मार्केट भी जाना है हम लोग को, तो मार्केट का भी व्यू दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब गोबर को जो है पानी में घोटरा जाएगा और घोटर के इसको पतला किया जाएगा, उसके बाद जो इसी से लेपा जाएगा। तो देखिए हम लोग परात में जो है गोबर को डाल चुके हैं, उसमें पानी डाल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये डंक है, गाय का डंक यानी गोबर ही है, देख सकते हैं इसको अब घोटरा जाएगा। हम लोग हाथ से इसको घोटरते हैं, देखिए फुआ जो है इसको गोबर को घोटर रही है, देख सकते हैं आप। ऐसे घोटर के इसको पतला कर देते हैं पूरा एकदम पेंट जैसा, उसके बाद जो इसको लिपते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग गाँव में अभी भी जो है शुद्ध करते हैं अपने जन्मभूमि को गोबर में लीप के। और उधर देखियो आग तापा जा रहा है भोरसी में। कहा रोही गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग देखिये और ही बोल रही है। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ अब लिपने का शुरू किया जाएगा। किधर लिपी हुआ पहले? उधर देखिए लिपा जाएगा अभी। इधर दिखाता हूँ कैसे लिपा जाता है गोबर से, ताकि अभी का जनरेशन का बच्चा लोग थोड़ा गोबर उबर से घिन घिन करता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से गोबर में लिपा जाता है गांव घर में। हम लोग का इंडिया में खासकर के झारखंड में देखिए इस तरह से गोबर से हम लोग अभी भी यूज करते हैं गोबर का ही। तो देख सकते देखिए गोबर कैसे हम लोग उछलते हैं, उसको लिपते हैं इसी तरह लिप के। पूरा आंगन को हम लोग पूरा एकदम शुद्ध कर देंगे, ये जो आंगन है हम लोग का पूरा शुद्ध कर देंगे गोबर से लिप के। देखिए इस तरह से लिपा जाता है। और इधर देखिए चाची भी अपना घर धो रही है, देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को पूरा टोटल दिखाते हैं कि लिपने के बाद जो कैसा दिखता है आंगन, देख सकते हैं हम लोग का गोबर में पूरा आंगन लिपा चुका है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। इस तरह हम लोग गांव में अपना लिपा पोती करते हैं गोबर से ही। देख सकते हैं हम लोग तुलसी पीड़ा है कितना अच्छा लग रहा है, और उधर भी गोबर से लिपा चल रहा है। देखिए उधर मम्मी लिप रही है पूरा। तो कोई भी पूजा पाठ रहता है, कोई भी मतलब धार्मिक काम होता है, तो हम लोग का लिपा ही जाता है गोबर से ही। तो देख सकते हैं इस तरह से लिपा जाता है।
तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जोहार झारखंड।